स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है 3 फरवरी, सुबह का टाइम देखो आप 8 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ अब जयपुर, जयपुर चलेंगे। जयपुर में थोड़ा काम था, काम निपटाते हैं और फिर देखते हैं, अगर वहाँ रुकना पड़ा तो वहाँ रुकेंगे, नहीं फिर वापस आएंगे रिटर्न। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं से शुरुआत। तो भाई अंतर्मन से भगवान को करते हैं प्रणाम और फिर चलते हैं अपन। गाड़ी का टायर में हवा बिल्कुल खत्म हो गई है, कम है हवा, या तो पंचर है या पता नहीं क्या है। हवा डलवाते हैं एक बार, तो हवा डलवा के चलते हैं अपन। टायर में हवा डलवा ली अपन ने, हवा कम थी टायर में, अब चलते हैं अपन जयपुर की तरफ। गाय की रोटी, गाय की रोटी दे दो। टोल टैक्स पे बार कोड वाला सिस्टम लगा रखा है, लेकिन फिर भी टोल कटने में काफी टाइम लगता है। A few moments later. अब चालू ही है लाइन। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जयपुर और अब चलते हैं जयपुर में अपना काम करते हैं, काम करके और फिर मिलेंगे आप लोगों से। हो सकता है आज रुकना पड़ जाए यहीं पे ही। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, अपना काम हो गया, अपन चल रहे हैं अब घर की तरफ। बीच में हो सकता है खाना खा सकते हैं, भूख लगी है, खाना खाएंगे और खाना खा के फिर चलते हैं अपन। भोजन की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है, ये टिफिन, ये रोटी थैली में और सब्जी भी है, पत्ता गोभी की है। सब्जी कम लाए हो ना, सब्जी पूरी नहीं लेके आए हैं, तो सब्जी के लिए अपने वो कहीं रुकना पड़ेगा। भूख तो बढ़ती जा रही है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, काफी होटल तो खूब है लेकिन उनके सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, इसलिए अब रुकने की दिक्कत हो रही है। कहाँ रुके, टिफिन खोले मेरे हिसाब से 10-15 मिनट हो गए, उसके बाद में हम इतनी दूर आ गए हैं। देखते हैं कहीं पार्किंग मिलेगी तो वहाँ रुकेंगे, वहाँ खाना खाएंगे। भाई पार्किंग तो मिल गई, अब इनसे पूछते हैं खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर होगी तो भोजन कर लेंगे अपन यहीं पे। सब्जी वगैरह मिल जाएगी तो अपन यहाँ भोजन कर लेंगे। भोजन करने के लिए अपन अपना खाना रोटी तो अपन लाए हैं, तो अपन सामान उतार लेते हैं गाड़ी में से भोजन करके और फिर चलते हैं। एक तो मटर पनीर की सब्जी और एक दाल फ्राई और रोटी अपन लाए हैं, दही अपने पास है, मिर्ची अपने पास है। मतलब सजावट में क्या क्या चीजें काम आ सकती हैं वो देखो आप, क्रिएटिविटी है ये, लालटन लटका रखी है। भोजन अपना हो गया है और अब चलते हैं अपन घर की तरफ। ये भाई है वो कहाँ घूम रहा है रास्ते में, जुगाड़ बना रखा है शानदार वाला, दो दो बाइक टेम्पो में कितनी आसानी से रखी हुई है, नई की नई है बिल्कुल। एक ट्रैक्टर तो ऊपर और एक ट्रैक्टर आगे, डीजल बचाने का तरीका है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीम का थाना, नीम का थाना में कोई थोड़ा बहुत काम है वो काम करके अब फिर चलेंगे घर पे। मैं और मट्टू भाई करेंगे अब भोजन। The next morning. आज है 4 तारीख और सुबह के बज चुके हैं 9। आज के ब्लॉग की हम यहीं से करते हैं शुरुआत। आज हम स्टूडियो है उसमें थोड़ा सा रूम चेंज करेंगे और दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे अपने सामान को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अभी हमारे रविंद्र भाई साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में हमारे से मिलने के लिए, उनसे मिलेंगे और फिर देखते हैं अपन कहाँ चलते हैं आज। तो दोस्तों बात ये है कि आटा खत्म हो चुका है और गेहूँ पिसाने जा रहे हैं हम माउंडा, तो माउंडा चल के मिलते हैं आपसे। और आज हमारे साथ भाई रविंद्र यादव भी हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अभी। ये बड़े खुश मिजाज इंसान है भाई साहब, को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मेरे पास कोई आ गया था मिलने जुलने वाला, तो उसके लिए तो हम इनसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे ही रहेंगे।
तो दरअसल बात ऐसी है, हमारे साथ जो ड्राइवर है और जिनको हम रविंद्र भाई साहब का दर्जा दे रखा हमने, वो भाई साहब को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या कम आती है मतलब गाड़ी चलाना? आज गाड़ी इनके हाथ में है, कुछ भी हो सकता है। तो राम भरोसे है सारा काम, रास्ता तो पता है इनको, इनको तो गाड़ी नहीं चलाना आता बस। अरे भाई साहब इस कुत्ते की क्या हालत हो रखी है, सर्दी मार गई क्या इसको? स्किन प्रॉब्लम है, स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये मटकू भाई ने अटैक कट्टा रख दिया है, पीछे कोई गाड़ी आ गई है तो हमारे को गाड़ी साइड में करनी पड़ेगी। बस गेट में ही बैठ जाके कोई दिक्कत नहीं, अपन तो यहाँ खड़े रहेंगे बस। सही है, ये देख छोड़ी, ये भाई साहब अपने बिल्कुल एक्टिव सब्सक्राइबर हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि और क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका चैनल अच्छे से चले। ये फैसला लिया गया है, तीन लोगों की कमेटी ने फैसला लिया है कि गाड़ी को घुमा करके खड़ी कर दी जाए, अपना काम भी हो गया होगा ना, सामने से धूप भी आएगी तो थोड़ा वीडियोग्राफी भी आसानी से और अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो गाड़ी को घुमा के लाते हैं, ये वो विद्यालय जहाँ 12th क्लास के पेपर देने के लिए आया करते थे और हमारे को इस विद्यालय से बहुत डर लगता था। भाई साहब, भाई साहब ये फोड़ेगा आज हमारे को, चलने दो भाई साहब, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, चाल वादो, बहुत जगह है, और मोड़ लो चाहे अंडे में, हां बहुत जगह है, बहुत जगह है, और मोड़ लो, डोली मार चढ़ा दिया, डर करने तो गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं इनको। भाई साहब हिंदी में बात करो, ऐसे मुड़ा दो एकदम पूरी घुमाई मटकू, आप भैया मुड़ा दो, हैंड पंप काट जाओगी नहीं बढ़िया ड्रिफ्ट मारी, ऐसी ड्रिफ्ट तो कोई मार ही नहीं सकता, चलने दो चलने दो, धूप तो गई अपना कट्टा भी आ गया है, रगड़ को लागो तो आप ही खेते हुए डटे हुए मोगली, रगड़ का लगेगा तो अपने आप बोल देगा भाई रुक जा है। और क्या, पहले ऐसे बोल रहा था आ जाओ फिर बोलेगा रुक जाओ रुक जाओ भाई साहब रोक दो हो गया बस काम हो गया है काम हो गया, नीचे उतर जाओ, जो नुकसान हुआ उसका पेमेंट दे जाओ। मटकू भाई ने इशारा कर दिया है कि आ जाओ, अपना काम हो गया है, मतलब आटा तैयार है, यहाँ पेमेंट करते हैं और फिर अपन चलते हैं घर पे। घर पे भी अपने को अपने स्टूडियो का सेटअप जो है उसको सेट करना है, उसको जमाएंगे, बस यहीं खड़ी कर दो, ट्रक आ जाएगी, गाने बंद करो, ये पुराने वाले हैं, कितने ही वाले होते हैं, नए वाले और चाहे पुराने वाले, हैंड ब्रेक हटाओ भाई साहब, टॉफी पड़ी है, टॉफी तो खा लो यार, चलो भाई क्या क्या ब्रेक दबा के कर रहे हैं तो ये, हाँ धीरे धीरे धीरे, आगे से कोई आ सकता है, आपकी गाड़ी ठुक सकती है, चलने दो, चलने दो, चलने दो, कोई नहीं आएगा अपने ब्लॉक में। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, एक बार तो जेसीबी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी भाई साहब, थार। ये तो भाई साहब गाड़ी क्या है, गाड़ी है, गाड़ी का इंडिकेशन आपको कह रहा है कि आप सीट बेल्ट लगाइए, क्या कह रहे हैं, गाड़ी की नहीं सुनते, दिल की सुनते हैं, दिल की सुनो, दिमाग की भी सुनो। मटकू भाई है ना, तेज रफ्तार से चलाने के लिए ड्राइवर को मोटिवेट करता है, तो आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए मोटिवेट नहीं होना है कि गाड़ी को तेज रफ्तार चलाना है, हाँ हाँ बिल्कुल आपकी स्पीड सही है, 30-40 की स्पीड बिल्कुल सही है। चारों तरफ के वाई पर चला। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल घर पे, अब अपन अपने स्टूडियो में चलते हैं, उसका थोड़ा देखते हैं क्या सिस्टम है। तो भाई ग्रीन पर्दा लगाने के लिए पाइप चाहिए, अपने को पाइप नहीं मिल रहा है, काफी देर हो गई मेरे को ढूंढते हुए, ढूंढते हैं देखे कहाँ है, पता नहीं कहाँ रखा है, पहले हटा के रख दिया था हमने, मेरे को याद नहीं है हमने कहाँ रख दिया उसको, वो पाइप तो मिला नहीं, ये जुगाड़ लेके आया हूँ मैं, जो पाइप मिला है दूसरा, इसमें लगा के देखेंगे, लेकिन इसमें लगता है। ये ग्रीन स्क्रीन और क्लिप लेके चलते हैं अपन, ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे, ग्रीन स्क्रीन अपन यहाँ लगाएंगे पीछे, तो अभी हमारे पास सामान की कुछ कमी है, मटको गिट्टी लेके क्या हुआ थोड़ी देर ले आया मैं, तो भाई साहब पाइप नहीं मिल रहा हमारे को, हम ये जुगाड़ जरूर लेके आए थे प्लास्टिक का, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा, पाइप ढूंढना पड़ेगा हमारे को, ढूंढ के लाते हैं इसको, चलो ये पड़ा, ये भाई साहब ये पड़ा पाइप, ये चाहिए, पक्का है, पाइप में पर्दा डालते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है पाइप भी है ना, सीधा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी तो दिल जाएगा पर्दा तो। हाँ क्या कर रहे हो आप? मटकू भाई बोल रहे हैं कि पर्दे में जो है सपाट आ गई है, प्रेस करनी पड़ेगी, पर्दे की सपाट निकाल के देखो,
इससे तो नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। देखो दोस्तों, इस डंडे से ये सलवट निकालेंगे, ये तो उल्टा सलवट डालने का काम कर रहे हैं। आप देखो ये सलवट निकल गई इसकी। तो रविंद्र भाई साहब भी जा रहे हैं घर कल सुबह, कल तो वैसे कार्यक्रम है बसंत पंचमी का, तो आप 9 बजे आ जाओ तैयार होके। गट्टे की सब्जी, छाछ दी हुई, चावल और रोटी, भोजन डाल दो। तो भाई आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट्स करें।